हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका गौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लर्निंग विद बेस। आज हम बात करेंगे 10th चैप्टर की, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के बारे में हम बात करेंगे। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब नॉर्थ में ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। ये हम ऑलरेडी 9th चैप्टर में कर चुके हैं। आप 9th चैप्टर आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये काफ़ी चैप्टर्स में आया हुआ है। गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, वो है स्पाइसेस, मतलब मसाले। इनके लिए बहुत फेमस रहा है साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया में जो स्पेशली स्पाइसेस में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ थी वो है पेपर, जिसे हम हिंदी में काली मिर्च कहते हैं। और यही पेपर रोमन एम्पायर में बहुत वैल्यूएबल थी, बहुत वैल्यू दी जाती थी स्पाइस को, और इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। ठीक है, पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था रोमन एम्पायर में। तो क्वेश्चन ये आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। ये सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपसे ये ऐसे पूछ सकते हैं कि पेपर को क्या कहा जाता है रोमन एम्पायर में, या फिर ये पूछ सकते हैं ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है, कौन सी स्पाइसेस को कहा जाता है, सॉल्ट, मिर्च वगैरह ये सब लिख देंगे, और जिसमें आपको पेपर का ऑप्शन मिलेगा। ओके, रोमन गोल्ड कॉइन्स साउथ इंडिया में मिले हैं, तो इससे पता चलता है कि साउथ इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम रोमन एम्पायर के साथ ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रेडिंग की कुछ पोयम बताई हुई है, और ये पोयम कहाँ मिलती है, ट्रेडिंग की जो पोयम है वो मिलती है संगम लिटरेचर में। और आपको याद है हमने 9th चैप्टर में किया था, संगम लिटरेचर में जो पोइट्स थे वो असेंबली में बैठ के, और जो मदुराई सिटी थी वहाँ पे बैठ के वो असेंबलीज में अपने पोयम्स को कंपोज करते थे, और ये उसी कंपोजिशन में एक पार्ट है ट्रेडिंग का। ओके, ट्रेडर्स जो थे उन्होंने काफ़ी सेवरल रूट्स, मतलब काफ़ी सारे सी रूट्स को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया था। एक्सप्लोर मतलब डिस्कवर कर लेना या नई खोज कर लेना, और समुद्री तट को फॉलो करते करते, मतलब कोस्ट को, जो सी कोस्ट है उसको फॉलो करते करते इन्होंने काफ़ी सेवरल सी रूट्स को इन्होंने ढूंढ निकाला था। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को, देखिए ये जो खाड़ी है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, इनको क्रॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था, तो मानसून विंड्स का एडवांटेज लेके सेलर्स इनको क्रॉस करते थे। और इनको क्रॉस करने के लिए बहुत स्टर्डी शिप्स, मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग शिप्स, स्टर्डी मतलब स्ट्रॉन्ग शिप्स की ज़रूरत होती थी। तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छी जो स्ट्रॉन्ग शिप्स हैं वो भी बनाई गई, और ट्रेडिंग बहुत अच्छा होता था। और अगर ये बात करें तो ये ज़्यादा हमें साउथ इंडिया का ट्रेडिंग सिस्टम वहाँ पे अच्छा दिखता है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सदर्न हाफ जो है वो लॉन्ग कोस्ट लाइन, हिल्स, प्लेट्योज एंड रिवर वैलीज वहाँ पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग सिस्टम साउथ इंडिया का बहुत अच्छा रहा है। और अगर हम वैलीज की बात करें तो एक रिवर वैली है कावेरी, जो बहुत फर्टाइल मानी जाती थी और बहुत फर्टाइल थी, और जहाँ पे जो चीज़ें बहुत फर्टाइल हो तो उनका एडवांटेज किंग वगैरह उठाते थे, और बाद में वो रिच एंड पावरफुल बन जाते थे। संगम लिटरेचर में जो संगम पोएम्स हम पढ़ते हैं उसमें तीन चीफ को मेंशन किया गया है, जिसको कहा गया है मुवेंदार, राइट? आप इसका वर्ड को याद रखेंगे, तीन चीफ के लिए यूज़ हुआ है, थ्री चीफ्स के लिए, और तमिल वर्ड है ये मुवेंदार। ठीक है, आप देखते हैं वो तीन चीफ कौन है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चोलाज, चेराज एंड पांड्याज, ये तीन जो पावरफुल रूलिंग फैमिलीज थी, और इनके टू सेंटर्स होते थे, बहुत पावरफुल होते थे वो भी, वन इनलैंड पे और दूसरा जो होता था वो कोस्ट पे होता था, जिसे समुद्री तट भी कह सकते हैं। और लेकिन इस सिक्स सिटीज़ में से दो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थे इनके, एक तो था पूहर, जिसको हम कावेरी पट्टिनम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाम ये एक ही है, कावेरी पट्टिनम या फिर पूहर, और ये पोर्ट हैं चेलाज के। और अगर मदुराई की बात करें तो ये पांड्याज की कैपिटल है। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो ये तीनों फैमिलीज़ के जो चीफ थे, इन तीनों फैमिलीज़ के जो चीफ रहे हैं, वो रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि वो रिसीव करते थे गिफ्ट्स को, या फिर डिमांड करते थे गिफ्ट की, तो इसको एक ट्रिब्यूट फॉर्म में कलेक्ट करते थे ये। ठीक है, इन तीनों रूलर से हटके भी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूलर जो आए वो थे सतवाहनाज के रूलर, और इसने काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग रन तक अपना रूल किया है। इनके जो फेमस, हम फेमस रूलर की बात करेंगे, वैसे तो बहुत सारे राजा रहे हैं, लेकिन फेमस की हम बात करेंगे, वो है गौतमी पुत्र श्री सत्यकर्णी। देखिए, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी का पुत्र, पुत्र मतलब सन, जिनका नाम है श्री सत्यकर्णी। इनके बारे में हमें कुछ इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और ये इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज
इंट्रोड्यूस कराए हैं इनकी माता ने, जिनका नाम है गौतमी बालाश्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप ये। और जो सत्वानास के रूलर है उनको लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ भी कहा जाता है। दक्षिण पथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो साउथ की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ जो लीडिंग रूट थे, ठीक है, ये उनको रूल करते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन फॉर्म में। नेक्स्ट सिल्क रूट की बात करते हैं। देखिए, रॉ सिल्क को कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, मतलब सिल्क वॉर्म के कोकून से निकाला जाता था, वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता था रॉ सिल्क को। अब जो ये टेक्निक थी, ये फर्स्ट टाइम इन्वेंट हुई थी चाइना में, मतलब इसका जो खोज की गई थी वो चाइना में इन्वेंट किया गया था इसको, इसी टेक्निक को, कि रॉ सिल्क कोकून से कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। और ये कुछ टेक्निक 7000 साल पहले इसको इन्वेंट किया गया था। अब काफ़ी लोग चाइना जब जाते थे वो या तो पैदल जाते थे फूट, या फिर हॉर्स बैक, मतलब हॉर्स पे बैठ के, या फिर कैमल्स पे बैठ के वो सिल्क को लेके आते थे। देखिए, इतनी दूर जाके वो सिल्क को लेके आते थे, या फिर कोई सी रूट हो सकता है। तो किसी न किसी तरीके से वो चाइना से, इतनी दूर प्लेसेस से वो सिल्क लेके आते थे। तो जो ये पाथ होते थे, मतलब जिन ये रस्ते होते थे, जिन रस्तों से सिल्क को लाया जाता था, उनको कहा जाता है सिल्क रूट, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो भी चाइनीज़ रूलर्स होते थे वो सिल्क को गिफ्ट के रूप में भेजते थे, उपहार भेजते थे ईरान के राजाओं को या फिर वेस्ट एशिया के राजाओं को। और जो वहाँ जिस पाथ से सिल्क आता था, वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते थे वो पेमेंट की डिमांड भी करते थे, ताकि वो ट्रेडर्स को पास होने दें उस रस्ते से, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ वहाँ पे लोग रहने वाले जो हैं इस तरीके से ट्रेडर्स से कमाते थे, पैसे लेते थे। और सिल्क रूट पे अगर हम किसी का सबसे ज़्यादा कंट्रोल देखते हैं तो वो मिलता है कुशांस का। इनका कंट्रोल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये सिल्क रूट के थ्रू इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया, काफ़ी ये पावरफुल हुए और रिच हुए। और जो कुशांस के मेजर सेंटर रहे हैं पावर के, वो थे एक तो पेशावर, ये आपको याद रखना है, और एक है मथुरा, और तक्षशिला जो है वो भी इनके किंगडम में इंक्लूड होता था। तो आपको इन तीनों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। और कुशांस अर्लीस्ट रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को ईशू किया, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन्होंने बुद्धिज़्म को कैसे स्प्रेड किया। और देखिए, जो कनिष्क हैं वो कुशान रूलर रहे हैं और मोस्ट फेमस रूलर रहे हैं। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल को ऑर्गेनाइज़ कराया, जिसके अंदर स्कॉलर्स बैठ के इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते थे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते थे। और एक अश्वघोष पोइट आए जिन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी लिखी, और जिस बायोग्राफी का नाम क्या दिया, बुद्ध चरित। अब देखिए, जो बुद्ध चरिता है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो लैंग्वेजेस में लिखी गई बुक्स हैं वो प्रकृत होती थी। अब यहाँ से संस्कृत स्टार्ट हो चुकी थी लिखना, रिटन फॉर्म में, ठीक है। महायान बुद्धिज्म आया, एक नया टाइप का, एक कुछ डेवलप बुद्धिज्म में टाइप डेवलप हुए। एक तो महायान होता है और एक हीनयान होता है। देखिए, महायान, महा, महान, मतलब कि बुद्ध को इसमें भगवान मानते थे, ठीक है। और हीनयान जहाँ पे बुद्ध को इंसान माना जाता था, ठीक है, आप एक ये डिफरेंस मान के चलिएगा। और महायान के अंदर क्या किया गया था कि जो बुद्ध हैं उनकी पोर्ट्रे बनाई नहीं जाती थी, बल्कि उनको एक साइन के थ्रू प्रेजेंट किया जाता था। जैसे कि देखिए, पीपल ट्री के अंडर बैठ के, मतलब पीपल ट्री के नीचे बैठ के बुद्ध ने क्या किया था, एनलाइटनमेंट को अटेन किया था। तो पीपल ट्री को महायान में पीपल ट्री का पोर्ट्रे बना दिया, ठीक है, एक पीपल ट्री का ऐसे पोर्ट्रे बना दिया जिसे समझ आ जाता था कि ये बुद्ध का साइन है। तो उसी के थ्रू बुद्ध को दिखाया जाता था, बुद्ध की पोर्ट्रे या शक्ल नहीं बनाई जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये इनको भगवान मानने लगे तो उन्होंने उसके स्टैचूज बनाने स्टार्ट कर दिए, और ये स्टैचूज मथुरा में और कुछ तक्षशिला में प्रेजेंट है। फिर अगर हम बात करें, ये हमारा कंप्लीट हो गया महायान बुद्धिज्म के बाद। एक और चीज़ जो है वो डेवलप हुई, वो थी बोधिसत्व। अब बोधिसत्व क्या था, ये एक ऐसा माना जाने लगा कि जिनको जैसे बुद्ध हैं उनको एनलाइटनमेंट अटेन हो गई थी, मतलब प्राप्त हो गई थी, ठीक है। जिनको एनलाइटनमेंट अटेन हो चुकी है, तो इसमें ये माना जाने लगा, ये बिलीफ माने जाने लगी, जिन्होंने एनलाइटनमेंट ऑलरेडी ले लिया है, अटेन कर लिया, वो संसार में रह के लोगों को टीच करें, दूसरों की हेल्प करें। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस धीरे धीरे बोधिसत्व काफ़ी पॉपुलर होने लगा और ये स्प्रेड होने लगा, मतलब काफ़ी दूर दराज तक फैलने लगा, सेंट्रल एशिया, चाइना, फिर उसके बाद कोरिया एंड जापान। देखिए, कोरिया, जापान, चाइना, यहाँ पे आप देखते होंगे बुद्ध की पोर्ट्रे बना के उनकी पूजा की जाती है, उनकी मूर्ति बना के पूजा की जाती है। इसका मतलब है वो महायान बुद्धिज्म को के बिलीफ में
सॉरी वो महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, उनका बिलीफ है महायान बुद्धिज्म में। अब देखिए श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब पार्ट्स में बुद्धिज्म का जो ओल्डर बिलीफ था वो एग्जिस्ट करता था, थेरावाड़ा बुद्धिज्म जिसका नाम है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, पिलग्रीम्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, जब होली प्लेसेस पे हम जाते हैं और भगवान की पूजा वगैरह करने जाते हैं। अब देखिए कुछ बुद्धिस्ट, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रीम्स थे जो चाइना से बिलोंग करते थे और वो यहाँ पे इंडिया में आए, और उन्होंने इंडिया में, उनका आने का रीज़न यही था, वो बुद्ध से रिलेटेड और चीज़ें जानना चाहते थे। तो देखिए एक जो फर्स्ट आए वो थे फाहियान, एंड सेकंड वन जुआन जंग, एंड थर्ड इज़ आई किंग। तो आपको इनके नाम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे फाहियान की थोड़ी सी जर्नी बताई गई है, जब वो चाइना लौट रहे थे तब उन्होंने किस टाइप की डिफ़िकल्टी को महसूस किया। अच्छा, आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए कि बंगाल से जब ये जा रहे थे तो स्टॉर्म वगैरह आ गया था, और ये स्टॉर्म वगैरह इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको जर्नी पता होनी चाहिए कहाँ से इन्होंने स्टार्ट की अपनी बैक टू होम जर्नी, कहाँ से स्टार्ट की वो बंगाल से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं जुआन जंग। देखिए ये जो है चाइना जब जा रहे थे तो इन्होंने काफ़ी सारी स्टैचूज बुद्ध की अपने साथ ली, और जो स्टैचूज किसकी बनी हुई थी बुद्ध की, गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड की। अपने साथ कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी ये लेके गए थे, कुछ 600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, और जिसमें से कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो इनसे लॉस्ट हो गई थी, और जितनी बची हुई थी उन्होंने उसको संस्कृत को, जो संस्कृत में लिखी हुई मैन्यूस्क्रिप्ट थी उनको चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिया, उनको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कुछ अपना टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी में भी बिताया है, आपको पता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में है, बहुत अच्छे वहाँ के टीचर्स होते हैं, और काफ़ी सारे जो पिलग्रिम्स होते थे वो अपना टाइम कुछ स्टडी के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी में बिताते थे, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, लेकिन आप जो ये मैं स्किप करा देती हूँ, ये चीज़ें जो जैसे मैंने स्किप कराई है, एक बार आप इसको पढ़ जरूर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये होता है कि आपको इससे समझ बन जाएगी, बस मैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द बिगनिंग ऑफ भक्ति, भक्ति का बिगनिंग यहीं से स्टार्ट होती है, जो हिंदुइज्म का कल्चर है, हिंदुइज्म जो है इसमें बिलीव करता है, शिव एंड विष्णु की पूजा की जाती थी, और गॉडेस में अगर बात करें तो दुर्गा की, और जो आज के टाइम पे भी इनको पूजा जाता है। और अगर यहाँ पे क्लासेस की बात करें तो देखिए ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि अमीर हो, गरीब हो, हाई कास्ट का हो, लो कास्ट का हो, कोई भी इनको फॉलो कर सकता है, इस पाथ को फॉलो कर सकता है या भक्ति की राह को फॉलो कर सकता है। और जो भक्ति का जो आइडिया है वो ऑलरेडी भगवत गीता में प्रेजेंट है, और भगवत गीता एक सैक्रेड बुक है, मतलब पवित्र बुक है, किसकी, हिंदू की, तो हिंदूज़ की ये पवित्र बुक है। और इसको महाभारत में भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का एक कॉन्वर्सेशन है, तो ये आप पढ़ेंगे, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार ये पढ़ लेना, ठीक है। इसे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, ये बहुत ईजी है, और जो इंपॉर्टेंट है वही करते हुए चलेंगे। अब देखिए भक्ति को थोड़ा सा समझ लेते हैं। भक्ति एक वर्ड से, संस्कृत वर्ड से निकल के बना है, जिसका मतलब है भज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, भज, भज का मीनिंग है डिवाइड करना या फिर शेयर करना, ठीक है। और इसमें दो तरफा रिलेशनशिप दिखाया गया है, टू वे रिलेशनशिप, जिसे हिंदी में दो तरफा रिलेशनशिप बोलते हैं, एक तो भगवान के बीच में और जो उनकी पूजा करते हैं भक्त उनके बीच में, और जो भक्ति है वो डायरेक्ट भागवत की तरफ इशारा करती है, और जिसका मतलब है गॉड, और जो गॉड है उसका जितना जो भाग होता है, भगवान का जो जितना भाग है, भाग में मतलब क्या होता है, उनका जो फॉर्चून है या फिर ब्लिस या आशीर्वाद जिसे कह सकते हैं, वो अपना भाग शेयर करता है जो उनकी पूजा करते हैं, मतलब जो उनके भक्त होते हैं। और एक पोयम लिखी गई है, किसी भक्त ने ये पोयम लिखी है, उनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और उसमें लिखा है कि जो अमीर है, गरीब है, पुअर है, रिच है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, भगवान के साथ आप, भगवान कभी भी ये स्टेटस नहीं देखता है, कोई क्लास नहीं देखता है भगवान। और ये जो पोयम कंपोज की गई है ये तमिल में कंपोज की गई है, किसने की है, ये अपार ने, और ये जो है शिव के भक्त हैं, ठीक है। और जो अपार हैं वो वेलाला हैं, ठीक है, ये हम ऑलरेडी वेलालर के बारे में बात कर चुके हैं, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, हम ये ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, ये आप लोगों का काम है, आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं।
अब यहाँ पे हम जो हमने हिंदूज का पढ़ा है, बुद्धिज्म का धर्म पढ़ा है, अभी हम क्रिश्चियनिटी को देखते हैं जो पैरेलल में चल रहा था। देखिए, जो क्रिश्चियनिटी है वो कुछ 2000 ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुई है, और जीसस क्राइस्ट जो बेथलेम में इनका जो जन्म हुआ था, और ये रोमन एम्पायर का पार्ट था, और क्रिश्चियंस की जो टीचिंग्स है वो यहाँ पे बताई गई हैं। उन्होंने यही बताया है कि दूसरों को प्यार करो, सम्मान करो, दूसरों पर ट्रस्ट करो, विश्वास करो। तो ये काफ़ी इनकी अच्छी अच्छी टीचिंग्स रही हैं। और जो होली बुक है वो इनकी, जैसे हमारे हिंदुइज्म में हमारी जो पायस बुक है, जो पवित्र बुक है, वो मानी जाती है भगवत, और इनके यहाँ पे मानी जाती है बाइबल। ठीक है, ओके। इसमें से कुछ ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा, यहाँ से देख लेते हैं। जो केरला के क्रिश्चियंस हैं, जिनको सीरियन क्रिश्चियन के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो वेस्ट एशिया से आए हुए हैं। ठीक है, तो आज ही हमारा यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप लर्निंग। दिस इज प्रियंका गौर, बाय बाय।